5 जनवरी 2023 को पुलिस ने एक चूहे को अरेस्ट किया और एक पूरा शहर जलने लगा। ये कहानी मेक्सिको के सिनालुआ राज्य की है। पिछले 36 घंटों से सिनालुआ में भयानक गोलीबारी चल रही है। इतनी गोलियां चली हैं कि हवाओं का रूप रंग बिगड़ चुका है। सड़कों पर कार और ट्रक जल रहे हैं, दुकानें बंद हैं, लोग घरों में दुबके तांडव रुकने का इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर ताला लगा दिया गया है। सरकार को सेना उतारनी पड़ी है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक चूहे की गिरफ्तारी ने आखिर इतना बवाल कैसे खड़ा कर दिया। दरअसल वो शक्ल सूरत से कोई चूहा नहीं है, वो एक इंसान है, बुरा इंसान। उसका नाम ओविडियो गुस्मान लोपेज है। शातिराना करतूतों की वजह से उसे अलराटोन या द माउस भी कहा जाता है। वो ड्रग किंग अलचापो का बेटा है। अलचापो फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। उसकी बाकी जिंदगी सलाखों के अंदर ही गुजरेगी। अलचापो के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमारा फोकस उसके बेटे अलराटोन पर रहेगा। 5 जनवरी को मेक्सिको पुलिस और नेशनल गार्ड ने मिलकर अलराटोन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सिनालुआ कार्टल के हमलावरों ने पूरे शहर में बैरिकेडिंग कर दी। उन्होंने सड़कों पर आग लगा दी, ट्रक्स लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया। वे किसी भी कीमत पर अपने सरगना को शहर में रखने पर आमादा थे। सिनालुआ से मैक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी की दूरी लगभग 1300 किलोमीटर है। जब लगने लगा कि अलराटोन को सड़क से ले जाना मुश्किल होगा, तब एयरफोर्स बुलाई गई। फिर अलराटोन को हवाई रास्ते से उठाकर ले जाया गया। La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del ejército mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción. ¿Alguien se hinsa nahi ruki? सिनालुआ कार्टल का खून खराबा जारी है। अभी तक की मुठभेड़ में 3 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 18 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी इकलौती मांग है, अलराटोन को रिहा करो। सिनालुआ में हिंसा कोई नई या दुर्लभ घटना नहीं है, मगर इस बार बर्बरता का ग्राफ काफी ऊपर पहुंच गया है। तो आज हम जानेंगे सिनालुआ और सिनालुआ कार्टल की पूरी कहानी क्या है और अलराटोन की गिरफ्तारी का असली मकसद क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम सिनालुआ कार्टल की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। सबसे पहले ये नक्शा देखिए। नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण में एक पूंछ जैसी आकृति दिखती है, जहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दक्षिणी सीमा खत्म होती है, वहाँ से मेक्सिको शुरू हो जाता है। ये बॉर्डर अमेरिका में अप्रवासियों की अवैध एंट्री का एक बड़ा जरिया है। इसी बॉर्डर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दीवार बनवाने की शुरुआत की थी। सिर्फ मेक्सिको ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस रास्ते से घुसने की कोशिश करते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ को बॉर्डर पुलिस पकड़कर डिटेंशन सेंटर में बंद कर देती है, कुछ को वापस लौटा दिया जाता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। ये अमेरिका की पॉलिटिक्स का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। खैर, मेक्सिको के उत्तर में अमेरिका है, उसके साउथ की सीमा से 2 छोटे छोटे देश लगे हैं, बेलिज और ग्वाटेमाला। पूरब की तरफ मेक्सिको की खाड़ी है, जबकि पश्चिम में कैलिफोर्निया की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक सागर है। मेक्सिको के पश्चिमी बॉर्डर पर ही सिनालुआ भी बसा हुआ है। ये मेक्सिको के 31 राज्यों में से एक है। इसकी राजधानी है कुलियाकन। सिनालुआ का वेस्टर्न हिस्सा कैलिफोर्निया की खाड़ी से लगा है। एक तरफ अटलांटिक महासागर भी है। पूरे समंदर पर हर सेकंड निगरानी रख पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए मेक्सिको के ड्रग तस्करों के लिए अमेरिका में हीरोइन, गांजा, मेथ, फेंटनील जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ पहुंचाना आसान होता है। हालांकि ड्रग तस्करों का धंधा समंदर तक ही सीमित नहीं है, वे जमीन और हवा के रास्ते भी ड्रग्स की तस्करी करते हैं। उनके लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा और मुनाफे वाला मार्केट है। अमेरिका की ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस यानी कि BEA की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में अमेरिका में अवैध ड्रग्स पर लोगों ने लगभग 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। आसान भाषा में समझिए कि इतने पैसों से 1 करोड़ लोगों को 15-15 लाख रुपए दिए जा सकते थे।
इनमें से अधिकतर पैसा मेक्सिको के ड्रग्स कार्टल की जेबों में गया था। पैसों के अलावा अमेरिका को इंसानी जान का नुकसान भी उठाना पड़ता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC की रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2021 में 1,06,000 लोग ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मारे गए। इनमें से 72,000 मौतें फेंटनील की वजह से हुई। फेंटनील एक सिंथेटिक ड्रग होता है, ये केमिकल से बनता है। मेक्सिको के ड्रग कार्टल फेंटनील के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इन्हीं वजहों से अमेरिका मेक्सिको में चल रहे ड्रग्स के कारोबार में इतनी दिलचस्पी लेता है। वो पैसा, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और दूसरे रास्तों से मेक्सिको की मदद करता रहा है। अमेरिकी एजेंसियां लंबे समय से मेक्सिको के अंदर ऑपरेट करती रही हैं। उन्होंने कुछ बड़े तस्करों को पकड़ा भी है, उन्हें सजा भी हुई है, लेकिन पीछे चल रहा ड्रग्स का बिजनेस बदस्तूर जारी रहा। अब सवाल यह आता है कि मेक्सिको में ड्रग कार्टल इतने फले फूले कैसे? ये समझने के लिए हमें 19वीं सदी में चलना होगा। उस दौर में किसी भी तरह की नशीली चीज़ों के इस्तेमाल पर कोई तय नियम कानून नहीं थे। कुछ शहरों में अफीम पर पाबंदी ज़रूर थी, लेकिन उसका ठीक से पालन नहीं होता था। नतीजा ये हुआ कि नशेड़ियों की संख्या बढ़ती चली गई। 20वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में 3,00,000 से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स हो चुके थे। इससे सरकार को चिंता हुई। फिर दिसंबर 1914 में अमेरिकी संसद ने हैरिसन नार्कोटिक्स एक्ट को मंजूरी दी। इस एक्ट के तहत अफीम और कोकीन बनाने, आयात करने, बेचने, जमा करने, किसी को बांटने, इन सभी कामों को रेगुलेट किया गया। इन पर स्पेशल टैक्स भी लगाया गया। जब इससे भी काम नहीं बना तो 1924 में सरकार ने हेरोइन पर पूरी तरह बैन लगा दिया। जब अमेरिका में किल्लत हुई तो पड़ोसी मेक्सिको को एक और मौका दिखाई दिया। मेक्सिको के किसानों ने ड्रग्स बनाकर अमेरिका में बेचना शुरू कर दिया। उन्हें अच्छा खासा फायदा हुआ। फिर उनकी संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये संगठित व्यापार में बदल गया। 1929 में मेक्सिको में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि PRI की सरकार बनी। इस पार्टी ने मेक्सिको पर 71 बरस शासन किया। PRI के शासन में सत्ता की शक्ति शीर्ष तक सिमटी रही। सरकार हिंसा के सहारे विरोध को कुचल देती थी। भ्रष्टाचार और अराजकता चरम पर थे, मगर पार्टी चुनाव में धांधली करके सरकार में कायम रही। PRI के शासन में ही ड्रग्स कार्टल खूब सक्रिय हुए। उन्हें भ्रष्ट अफसरों और नेताओं का संरक्षण मिला। वे पैसे खिलाकर अपना धंधा फैलाते रहे। दूसरी तरफ 1980 के दशक में अमेरिका में क्रैक कोकीन की मांग अचानक से बढ़ने लगी थी। ये बाकी ड्रग्स की तुलना में सस्ता होता था और हर गली के नुक्कड़ पर आसानी से उपलब्ध भी था। 1982 से 1985 के बीच अमेरिका में कोकीन लेने वालों की संख्या लगभग 16,00,000 थी। इसकी सप्लाई कोलंबिया से हो रही थी। इस धंधे में मेडलिन कार्टल का नाम सामने आया। उसका सरगना था पाब्लो एस्कोबार। दिसंबर 1993 में एस्कोबार मारा गया। उसके बाद मेडलिन कार्टल बिखर गया। कोलंबिया के ड्रग्स गिरोह पीछे छूटने लगे। तब इस खाली जगह को मेक्सिकन ड्रग कार्टल ने भरना शुरू किया। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी अलचापो था। ड्रग्स के धंधे में उन दिनों एक कहावत चलती थी, अलचापो की इजाजत के बिना कोई भी चीज मेक्सिको से बाहर नहीं जा सकती। अलचापो की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1957 में सिनालुआ में पैदा हुआ था। पिता किसानी और चरवाही करते थे। लड़का छोटे घर और गरीबी से परेशान था। उसने अमीरी को अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लिया। 15 साल की उम्र में उसने पहली बार भांग की खेती की। बढ़िया उससे कमाई हुई तो उसने इसी को अपना करियर बनाने की प्लानिंग की। इसके लिए वो 800 किलोमीटर दूर ग्वादलहारा चला गया। उस समय ग्वादलहारा कार्टल सबसे बड़ा था। यहाँ अलचापो को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम मिला। वो गजब का चालाक था। उसने कार्टल का काम और मुनाफा दोनों बढ़ा दिए थे। फिर एक दिन उसको सुपर बॉस से मिलवाया गया। उसका नाम था अल बेदरीनो। उसका शाब्दिक अर्थ होता है गॉडफादर। कहा जाता है कि मेक्सिको के इतिहास में उससे बड़ा ड्रग्स तस्कर कोई नहीं हुआ। इसके बाद अलचापो का कद अचानक से बढ़ गया। वो अल बेदरीनो का सबसे खास आदमी बन चुका था। फिर 1989 में खेल हो गया। एक मर्डर के केस में अल बेदरीनो पकड़ा गया। उसे 37 साल की सजा हुई। अल बेदरीनो के जाते ही ग्वादलहारा कार्टल बिखर गया। अलग अलग गुट बन गए। इसमें से एक गुट की कमान आई अलचापो के हाथ में। इसका नाम रखा गया सिनालुआ कार्टल। बाकी गैंग तो पुलिस के हाथों पकड़े गए या मार गिराए गए, लेकिन सिनालुआ कार्टल का दायरा बढ़ता चला गया। इसकी सबसे बड़ी वजह अलचापो था। उसकी सफलता की 4 बड़ी वजहें थीं। नंबर 1, रॉबिनहुड छवि। उसने सिनालुआ में बहुत सारे घर बनवाए। वो गरीब लोगों को पैसे बांटता था। अपने इलाके की जनता के लिए वो किसी देवदूत से कम नहीं था। दूसरी वजह उसकी क्रूरता थी। अलचापो अपने काम के प्रति क्रूर था। किसी भी किस्म की
नाफरमानी उसे बर्दाश्त नहीं थी, वो किसी को नहीं बख्शता था। नंबर 3, सुरंग के जरिए तस्करी। अलचापो ने ड्रग्स की तस्करी में एक नया इजाद किया। उसने बॉर्डर के नीचे से सुरंग खोदकर ड्रग्स की सप्लाई करनी शुरू की। अलचापो बहुत कम माल जमीन, पानी, हवा के रास्ते भेजता था। वहाँ पुलिस और ड्रग्स एजेंसीज का पहरा होता था, बाकी के गिरोह यहीं पर मात खा जाते थे। अलचापो ने अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में अपना नेटवर्क तैयार किया था। उसने सिनालुआ कार्टल के बिजनेस को कई गुना बढ़ा दिया। कहा जाता है कि वो एक साल में 25,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार कर लेता था। और नंबर 4, अलचापो पैसे खर्च करना जानता था। बाकी के गिरोह महंगे हथियारों और गाड़ियों पर पैसे लुटाते थे। अलचापो उन्हीं पैसों से नेताओं और अफसरों को खरीद लेता था। उसके पास सत्ता का सपोर्ट था, इसी वजह से पुलिस उस पर हाथ नहीं डालती थी। और फिर आया 2000 का साल। मेक्सिको में सरकार चला रही PRI चुनाव हार गई। नई सरकार ने ड्रग कार्टल के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। तब सिनालुआ कार्टल ने हिंसा का रास्ता लिया, सैकड़ों बेगुनाह मारे गए। फिर 2006 में मेक्सिको सरकार ने ड्रग कार्टल के खिलाफ फाइनल जंग छेड़ने का ऐलान किया। इसमें अमेरिका ने मेक्सिको का साथ दिया। अलचापो उनका दुश्मन नंबर 1 था। उसे एक बार 1993 में भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो जेल के अधिकारियों को घूस देकर फरार हो गया था। फरवरी 2014 में उसे दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। इस बार उसको मेक्सिको की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक, आल्टिपानो में रखा गया। मगर यहाँ भी वो बहुत दिनों तक नहीं रहा। जुलाई 2015 में वो बैरक के नीचे से सुरंग बनाकर फरार हो चुका था। इसके बाद मेक्सिको के इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया गया। मेक्सिको के उस समय के राष्ट्रपति एनरिक पेना नियतो बेहद नाराज हुए। उन्होंने अपनी टीम से साफ साफ कहा, अगर अलचापो को नहीं पकड़ पाए तो वापस मत आना। फिर 6 महीने बाद खबर आई कि मेक्सिकन मरीन्स के एक ऑपरेशन में अलचापो पकड़ा गया। छापेमारी के बाद वो कमरे की सुरंग से भाग निकला, लेकिन कार में भागते उसे दबोच लिया गया। पकड़े जाने के बाद भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। उसने मरीन्स को धमकी दी, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। 2017 में अलचापो को अमेरिका में प्रत्यर्पित कर दिया गया। न्यूयॉर्क की अदालत में उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। जुलाई 2019 में अदालत ने अलचापो को आजीवन कैद के अलावा 30 साल की सजा सुनाई। अगर वो जेल से नहीं भाग सका तो वो वहीं मरेगा। मेक्सिको और अमेरिका को लगा था कि अलचापो के पकड़े जाने के बाद सिनालुआ कार्टल टूट जाएगा। वे अलचापो के अरेस्ट की तुलना पाब्लो एस्कोबार की मौत से कर रहे थे, मगर ये सब भरम साबित हुआ। अलचापो कार्टल का सबसे बड़ा लीडर तो था, लेकिन रिंग मास्टर कोई और था। उसका नाम था अलमायो। अलमायो पब्लिक में बहुत कम दिखाई देता था। उसके बारे में जांच एजेंसियों को कम ही जानकारी है। उसे कार्टल में अल सेनोर यानी सीनियर के नाम से बुलाया जाता है। बस उसके आदेश जारी होते हैं और पूरा गैंग उसका पालन करता है। गैंग में उसका असली नाम लेना भी मना है। अलमायो का एक बेटा था, अल विंसेंटेलो। 2009 में उसने अमेरिकी एजेंसियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। इसमें वो सिनालुआ कार्टल की जानकारियां शेयर करने के लिए तैयार था, लेकिन मीटिंग के तुरंत बाद अल विंसेंटेलो को अरेस्ट कर लिया गया। फिर उसे अमेरिका लाया गया। 2 बरस तक मेंटल टॉर्चर झेलने के बाद वो सिनालुआ कार्टल से जुड़ी सारी बातें बताने के लिए तैयार हो गया। शर्त यही थी कि अलमायो को कोई नहीं छुएगा और उसको रिहा कर दिया जाएगा। अल्विन सेंटेलो की जानकारी के आधार पर अलचापो और गैंग के कई बड़े लीडर्स को पकड़ा गया, मगर उसको रिहा नहीं किया गया। अल्विन सेंटेलो को 15 बरस की जेल हुई। सजा खत्म होने के बाद वो अमेरिकी सरकार की निगरानी में रहेगा। अलचापो की कुर्बानी देने के बाद अलमायो ने उसके बेटों का भार अपने कंधों पर उठाया। उसने उन्हें अपना संरक्षण दिया। अलचापो के बेटे भी ड्रग्स के धंधे में उतरे। उसके कम से कम 9 बेटे हैं। इनमें से 4 ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। इसमें सबसे कुख्यात ओविडियो गुजमान लोपेज उर्फ अल रैटोन है, जिसकी गिरफ्तारी ने सिनालुआ में तबाही मचा दी है। अल रैटोन को एक बार अक्टूबर 2019 में अरेस्ट किया गया था। उस समय अलमायो के आदेश पर पूरे कुलियाकन में भयानक कत्लेआम हुआ। हिंसा तब तक जारी रही जब तक कि राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने सेना को अल रैटोन को छोड़ने का आदेश नहीं दे दिया। ओब्रेडोर ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अल रैटोन को पकड़ना बड़ी गलती थी, ये मेरी जानकारी में नहीं था। रिस्पोंस्टास इन जनरल y les puntos de vista yo desde nuestro país se imponían con el fraude electoral y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación. No se trata de masacres,
Ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Obrador 2018 में मेक्सिको के राष्ट्रपति बने. उनसे पहले की सरकारों के शासन में वॉर ऑन ड्रग्स के नाम पर खूब तबाही हुई. काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस यानी कि CFR की एक रिपोर्ट के अनुसार मेक्सिको में 2006 से 2022 के बीच वॉर ऑन ड्रग्स में 3.5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. लगभग 80,000 लोग इनमें घायल हो चुके हैं. सैकड़ों पत्रकार भी इनमें शामिल हैं. जब ओब्राडोर राष्ट्रपति बने तब उन्होंने इस पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हम गोलियां भेजने की बजाय गले मिलना पसंद करेंगे. उनका इशारा बातचीत की तरफ था. हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो सके. मेक्सिको में गैंग वॉर और बेगुनाह नागरिकों की हत्या बढ़ती गई. अकेले 2022 में 15 पत्रकारों की हत्या हुई. इसके चलते ओब्राडोर सरकार को सख्त होने पर मजबूर होना पड़ा है. उन्होंने भी वॉर ऑन ड्रग्स में सेना के इस्तेमाल पर हामी भर दी. अल्ब्रेटोन की गिरफ्तारी के पीछे एक और वजह बताई जा रही है. 8 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मेक्सिको के दौरे पर जा रहे हैं. वे ओब्राडोर से भी मुलाकात करेंगे. कहा जा रहा है कि इस बैठक में ड्रग तस्करी का मुद्दा छाया रहेगा. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस समय अलमायो बीमार चल रहा है. उसके गैर मौजूदगी में अल्ब्रेटोन ही सिनालुआ कार्टल का सबसे बड़ा लीडर है. उसकी गिरफ्तारी के जरिए मेक्सिको सरकार ने सख्त संदेश देने की कोशिश की है. हालांकि इस कोशिश के चलते सिनालुआ में जो तबाही शुरू हुई है वो काबू से बाहर होती जा रही है. हमेशा की तरह इस बेकाबू नुकसान के केंद्र में आम नागरिक ही हैं. देश दुनिया की हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी. आप बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ. जाते जाते एक और जानकारी ले लीजिए. इस बार के गेस्ट इन द न्यूज रूम में हमारे मेहमान होंगे वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर अमित पंघाल. एपिसोड 7 जनवरी को 12 बजे द लल्लन टॉप ऐप पर रिलीज हो रहा है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों. अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी. इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ. शुक्रिया. शुभरात्रि.